हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। जो स्टूडेंट्स जो ट्वेल्थ का हमारा एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसे मैट्रिक्स बोलते हैं, उसे हिंदी में सभी लोग आभी बोलते हैं। तो आइए देखा जाए कि जो आभी होता है वो क्या होता है या मैट्रिक्स कैसे वर्क करता है। तो जब सबसे पहले अगर हम बात किया जाए कि मैट्रिक्स होता क्या है, तो मैट्रिक्स के बारे में अगर हम सभी लोग बात करते हैं तो कहा गया कि कुछ नंबर्स को हम लोगों ने ले लिया, तो उन नंबर्स जैसे हम लोग ले लिया ए, हम लोगों ने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कुछ नंबर्स को हम लोगों ने ले लिया और उसे क्या किया जाता है, पंक्तियों और स्तंभों में सजा कर रख दिया जाता है। तो वही को हम लोग कहते हैं मैट्रिक्स, आप भी हो जाता है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर्स दिया हुआ है, अब इनको सजा दिया गया है रो और कॉलम के रूप में, और ऐसे ये जो बना कर रख दिया गया है तो यही कहलाता है हमारा मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के रूप में जब बात करते हैं तो ये कहा गया कि द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन रो और कॉलम। आप देख रहे हैं कि जो शहर में आजकल मकाने बन रही हैं, तो उन मकानों को जो बनाया जा रहा है बेसिकली जो नदी किनारे हैं या आपके पास सिटी में भी बन रहे मकान हैं, तो जो बनाया जा रहा है उन मकानों का, तो उन मकानों को जो ढांचा बनाया जा रहा है, जैसे देखिए आप देखते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को चीजें मिलती है। तो जब इस तरीके से चीजें देखने को मिलती है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ज्वाइनिंग के रूप में चीजों को ऐसे, तो जो ये हमारी लाइनिंग खड़ी रूप में मिल रही है, यानी जो हमारे बॉक्सेस इस रूप में आपको मिलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद कुछ बॉक्सेज आपको इस रूप में भी मिलेंगे, तो जब बॉक्सेज आपको इस रूप में मिलते हैं तो उसे हम सभी लोग बोलते हैं कॉलम, ये कॉलम, और इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं स्तंभ। और स्टूडेंट्स, जो ऐसे आपकी लाइनिंग मिलती है या ऐसे जब बना हुआ मिलता हुआ है तो उसे हम लोग कहते हैं रो, या इसे हम सभी लोग बोलते हैं हिंदी में पंक्ति। तो स्टूडेंट्स, जब हम सभी लोग देख रहे हैं बना रहे हैं, जब कोई मकान वगैरह देख रहे हैं सिटी में, तो दूर से हम जब देखते हैं तो ये ढलाई की तरफ बना होता है, सीमेंटों का बना होता है, जो पिलर के रूप में बनाया जाता है, तो ऐसे बना होता है और ऐसे बना होता है। तो अगर देखा जाए आपको खड़े के रूप में ये दिखाई दे रहा है तो हम कह देंगे इससे कि ये जो हमारा पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम है। तो ये जो हमारा कॉलम बनाया गया मकान है वो तीन कॉलमों का यूज किया गया है, और जो पार्टीशन नीचे दिया गया है उसमें रो वन लिया गया है और रो टू लिया गया है। तो इस तरीके से आप वहां पर देख सकते हैं, ये आपको इजीली मिल जाएगा एग्जांपल के रूप में, आप देखना चाहते हो। तो ये कॉलम हो गया और मैट्रिक्स हो गया। तो कहा गया कुछ नंबर समय को ले लिया और उन सभी को क्या किया जाता है, सजा कर रो और पंक्ति में रखना ही कहलाता है हम सभी लोगों का मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स की जब बात हो गई तो अब यह कहा जाता है कि इनकी कोटि क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं हम सभी लोग कि ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, आव्यूह की कोटि। तो आव्यूह की कोटि का मतलब क्या है, जैसे हम सभी लोगों ने कोई अपना एक सेट बनाया हुआ है, ए लिया जाए, अब यहां पर देखिए स्टूडेंट्स बना रहे हैं लोग, जैसे लिया गया A11, A12, A21, A22। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि जब जैसे लिया गया यहां पर ये 1 1, तो पहला रो है और पहला कॉलम है, जैसे आप देख रहे हैं पहला रो पहला कॉलम, और यहां पर देखा गया पहला रो दूसरा कॉलम। तो ऐसे आप देख रहे हैं कि ए आई जी के रूप में लोग इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जो ये आई होता है वो रो को बता रहा है और जो जे होता है वो कोटि को ये बता रहा है, कॉलम को बता रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि A11, A12, A21, A22। तो इसमें इजीली बस क्या किया जाता है, हम लोग सपोज करें कि हमारे पास आई रो है और हमारे पास जे कॉलम है, तो बस कुछ नहीं होता है, जो आई इंटू जे ये आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो वही आपकी हो जाती है आव्यूह की कोटि। सपोज कि देखिए इसमें एग्जांपल में लिया गया कि आपका जो ये पहला रो और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, तो इसमें कहा गया कि दो हमारे क्या हो जाएंगे, रो हो गए और दो ही हमारे क्या हो गए, कॉलम हो गए। तो जो ये मैट्रिक्स लिया गया है इसका जो ऑर्डर हो गया वो 2x2 हो गया। तो अब इसमें हम सभी लोग जो पहली बात होती है वो बताता है किसे, रो की संख्या को बताता है, और जे जो बताता है वो कोटि, ये कॉलम स्तंभों की संख्या को रिप्रेजेंट करता है। आइए स्टूडेंट्स हम कुछ एग्जांपल्स को लेकर देखते हैं यहाँ पर। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दे लिया, जैसे मैंने ए लिया और कुछ नंबर्स को 1, 2, 1, 3, 1, 5, 4 ये लिया गया। तो अब जैसे इस नंबर्स में आपको दे दिया जाएगा, कभी कभी एक नंबर्स में अक्सर पूछता भी है कि इसका कोटि बताइए, जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसकी कोटि क्या होगी। तो कोटि बताने के लिए देखिए स्टूडेंट्स, तो पहले यहाँ बताया गया पंक्ति हो जाएगी, आई लेना है आपको और स्तंभ लेना भी है, तो ये जब लिखा जाएगा तो आई क्रॉस जे। तो आप जब चल रहे थे कि जो ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर लाइन को आप कॉन्सेप्ट में आपको दिमाग में रखना है इस बात। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर,
तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जब ऐसे लाइन ली जा रही, तो ये हमारे दोस्त को बता रहे थे, और जो खड़ी लाइन थी वो किसको बता रही थी, वो सी को बता रही थी। तो आप देख रहे हैं ये पहला, ये आर मिल रहा है हमको और ये आर टू मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि रो हमारे पास कितने हो गए, दो हो गए। और जब हम देख रहे हैं अपने कॉलम को, तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया और ये थर्ड हो गया। तो यहां पर जब किया जाएगा इसकी कोटी, तो आई पे आई क्रॉस करना है जे के साथ, तो ये हो जाएगा हमारा ऑर्डर। तो ये लिखा जब जाएगा तो ये कितना हो गया दोस्त, दो हो गए, और जो कॉलम हो गए वो कितने हो जाएंगे, थ्री। तो ये टू क्रॉस थ्री कोटी का ये क्वेश्चन है। तो ये जो क्वेश्चन दिया गया इसी कोटी एकदम इजिली आप निकाल सकते हैं। हम देखिए सेकंड एग्जांपल देते हैं, जैसे बी मैंने ले लिया, अब यहां पर स्टूडेंट्स हो जाएगा 1 2 3 1 1 1 0 1 5 4 3 2। अब एक चीज और भी है कि जब भी देखते हैं आप मैट्रिक्स में, कभी भी जो इसके रोज हो गए, स्तंभ हो गए, या जो रो और कॉलम होते हैं, इनकी संख्या इक्वल नहीं भी होती है, होती भी है, तो ये हम लोग आव्यूह में इसका स्टडी करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स यहां पर आप देख रहे हैं, तो जो आपको लेना है सीरीज के रूप में सजाना क्या है, आपको रो लेना है और आपको लेना है कॉलम, और उनके बीच में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो पहले आज आप रो देख रहे हैं, तो जो ये देखा जा रहा है, ये देखिए फर्स्ट लाइनिंग में ये लिखा हुआ है, सेकेंड लाइनिंग में और थर्ड लाइनिंग में। तो ये देखिए स्टेट्स हो गया आपका आर वन, और ये हो जाएगा आर टू, और ये हो गया आर थ्री। इसका मतलब कहा गया रोज की संख्या कितनी हो गई, तीन हो गई। तो आप यहाँ पर थ्री तो लिख लिए। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको कॉलम देखना है, तो आप जब जा रहे हैं तो ये सी वन हो गया, इसे भी सीवन कहा जाएगा, इसे भी और इसे भी, वो सभी सीवन के मेंबर हो गए, ये सभी सी टू के हो गए, ये सभी सी थ्री के हो गए, और ये सभी सी फोर के हो गए। तो थ्री क्रॉस फोर, तो जो ये ऑर्डर हो गया, जो सेकेंड लिया गया था, ये मैट्रिक्स बनाया गया था बी, उसमें जो ये ऑर्डर हो जाएगा थ्री क्रॉस फोर का हो जाएगा। तो जो बेसिकली हम लोग मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या मैट्रिक्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए जो बड़ा ब्रैकेट होता है, इसका हम समानता यूज करते हैं। कभी कभी आपको इन लाइनों के रूप में मिलता है, डॉटेड लाइनों के रूप में, ऐसे भी हम लोग सजा कर मैट्रिक्स के नंबर्स को इसके अंदर ही रखते हैं। तो ऐसे इसके कुछ क्या हो गए रिप्रेजेंटेशन के तरीके हो गए, इन दोनों ही रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ हम लोग जो मैट्रिक्स है उसके लिए हम जो ये हमारा छोटा ब्रैकेट होता है, हम कभी कभी इसका भी यूज करते हैं। तो आपको इन तीनों फॉर्म में मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन या कुछ जो ये करते हैं उनके अंदर लिखे हुए मिल सकते हैं। आइए स्टूडेंट्स जो हमारी अगली टॉपिक इसमें आती है, जो अगला हेडिंग इसमें जो इंपॉर्टेंट के रूप में, वो मैट्रिक्स ऑपरेशन है। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन या आव्यूह की संक्रियाएं कैसे होती है उसके बारे में हम सभी लोग देखते हैं। तो ऑपरेशन के रूप में मैथमेटिकल में हम देखते हैं, तो जोड़ हो गया, जो एडिशन करना, सबट्रैक्ट करना, या चीजों का मल्टीप्लिकेशन करना, तो उनके बारे में देख रहे हैं चीजों। अब हम देख रहे हैं जब ऐसे हमारा लिखा हुआ कोई चीज, तो उसको हम लोग सी समझ रहे थे ब्लॉक के रूप में, और ये आपका ऐसे लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग आर कह रहे हैं। अब यहां पर हम लोगों को अगर दिया जाए पहला कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स का क्या होता है, कैसे एडिशन करते हैं, आव्यूह का जोड़ क्या होता है, तो जो ये आव्यूह का जोड़ है उसी में आपका सबट्रैक्शन भी हो जाएगा, इसलिए इसको ध्यान समझिए। सपोज कीजिए कि देखिए हम लोग कोई सेट ए लेते हैं, तो जो ये ए सेट हो गया, ये हमारा हो जाएगा ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ठीक है, ये टू क्रॉस टू का है। और बी जो हो गया, इसमें हम लोगों ने लिया, तो बी वन वन, बी वन टू, बी टू वन, बी टू टू, ये भी हमारा टू क्रॉस टू का हो गया। तो एक चीज आप इसमें याद रखें कि मैट्रिक्स में ऑपरेशन में एडिशन तभी आपका पॉसिबल है, संभव है, जब उसकी कोटी जो होगी ऑर्डर उनके सेम होने चाहिए। तो अब ये जो क्या होता है, सेम एलिमेंट को सेम एलिमेंट के साथ हमको एड करके रख देना है, तो वो जो हमारी नई जो बनती है सीरीज, या जो नया हमारा अभी बनता है, बस उनका एडिशन और उनकी कोटी जो होती है वही होती है, चेंज नहीं होती है। अब जैसे यहां पर लिया गया ए को 2 प्लस 2 के रूप में, और यहां बी को लिया गया 2 प्लस 2 के रूप में भी, तो अब ए वन वन के समतुल्य जो लिया गया इसमें मेंबर है वो बी वन वन है, ए वन टू के समतुल्य ए वन टू है, और ये जो ए वन वन पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, ठीक है, ऐसे समझना है आपको, और ये दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये आपको रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर नंबर है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, अब देख रहे हैं आपकी इसका ऑर्डर जो है और इसका ऑर्डर है, दोनों के ऑर्डर क्या है, सेम है। तो अब जब आप जोड़ रहे हैं ए प्लस बी, तो आपको क्या किया जाएगा, जो दोनों ही नंबर्स दिए गए, दोनों ही सेट लिखे गए, जो ये दोनों बनाया गया है मैट्रिक्स, उन दोनों मैट्रिक्स को अब देखिए ए वन वन प्लस बी वन वन लिख दिया जाएगा। अब यहां पर जब लिखा जाएगा, तो ए वन टू प्लस बी वन टू,
ये जो ए टू वन है वो बी टू वन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टू वन प्लस बी टू वन। अब यहां पर जब देख रहे हैं ए टू टू बी टू टू, तो यहां हो जाएगा आपका ए टू टू प्लस बी टू टू। अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एडिट एड हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो ये एक नंबर हो जाएगा, ये पूरा जुड़ के एक क्वांटिटी बनाएगी, ये भी। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि ये एक कलम और दूसरा कलम, ये पहला रो और दूसरा रो, तो आप देख रहे हैं इसकी कोटी जो हो रही है वो नहीं चेंज हो रही है, और जो ये दोनों के मेंबर सेम होने चाहिए और जो ये कोटी सेम रहेगी तभी इसका एडिशन होता है। तो इस प्रकार आप एडिशन को समझ रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसी में हम लोग क्या करें, आव्यूह का घटाना सीखना है हम लोग, तो बस कुछ नहीं करना है, आव्यूह का घटाना के रूप में अगर देखा जाए संक्रिया ग्रुप में, तो सेकंड पार्ट पर हम लोग आए। अब उसमें देखिए आव्यूह का घटाना देखिए कैसे किया जा रहा है। अब यहां पर एडिशन जो था, अब यहां पर आपको चलना है सबट्रैक्शन के रूप में, तो सबट्रैक्शन आपको देखिए इसी कितना इजी तरीके से मिल जाता है। अब देखिए ए तो हो गया सेम है, बी भी आपका सेम है, दोनों के ऑर्डर भी सेम है, ठीक है। अब आपको क्या किया जा रहा है, ए माइनस बी के रूप में लिखा जा रहा है, तो ए माइनस बी है, तो जहां जहां आप एडिशन लगाए थे बस आपको क्या करना है, जोड़ लगाए थे, जोड़ का चिन्ह वहां आपको घटाना लगा देना है, बस अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा मतलब घटा दिया गया, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, वही नंबर्स आएंगे, जीरो भी आ गए, कई नंबर्स पे एक आ गए, दो आ गए, लेकिन हमारी जो ऑर्डर होगी वो सेम होती है। तो ये कहा गया कि जो भी आपका कैसे जोड़ा जाएगा, अब जैसे सपोज कीजिए कि ये ए बराबर तुम्हारा ले लिया जाए ए वन वन ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू ए थ्री वन ए थ्री टू, ये ले लिया जाए। अब यहां पर स्टूडेंट हमने बी को ले लिया है बी वन वन, ठीक है बी वन वन, और यहां मैंने क्या ले लिया है कि बी वन टू और बी टू वन और बी टू टू। अब देख रहे हैं यहां पर अगर आपको रो और कॉलम यहाँ इसका ऑर्डर बताना होगा तो क्या हो जाएगा, तो ये पहला कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो और यहाँ रो देखा जाए एक दो तीन रो है, तो ये थ्री क्रॉस टू ऑर्डर का है, ऑर्डर तो हमने डिसाइड कर लिया। अब इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दो रो हो गए, तो दो तो रो तो हो गया, अब कॉलम कितने हो जाएंगे, वो भी हमारे दो हो जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ये जो है मैट्रिक्स, तो क्या इस मैट्रिक्स का आपको एडिशन पॉसिबल है, या अगर कहा जाए कि इसका सबट्रैक्शन पॉसिबल है तो कहा जाएगा कि नहीं, मैट्रिक्स यहां पर अपनी रूल को फेल हो जाती है, वो नहीं कर पाएगी इसको, क्योंकि इसको देखिए देखिए इसका इसके साथ इसका इसके साथ इसका इसके साथ ये तो हो जाएगा, मगर ये जो मेंबर्स है वो समाप्त हो जाएंगे, इनका क्या होगा। तो यहां पर ये जब भी होता है तो पेयरिंग बनना जरूरी है कि जो भी जैसा ऑर्डर इसका होना चाहिए सेम ऑर्डर वैसे होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के भी, और जब दोनों मिलकर बनाएंगे तो उनका भी जो ऑर्डर आएगा वो उन दोनों ही ऑर्डर्स के इक्वल आएगा। तो इस तरीके से हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स और सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स को करते हैं। आइए स्टूडेंट्स आप देखते हैं सभी लोग एक क्वेश्चन को इन सभी के बाद, अब देखिए आपका पूरा ऐसे ही लिखा हुआ है, हमने यहाँ पर क्या किया जाएगा, जो लिया गया एग्जांपल्स है उसमें आप कुछ डिलीट दे देते हैं, तो जैसे हमने एग्जांपल्स में लिखा हुआ है एडिशन को भी आप आसानी से कर लीजिएगा, मैं केवल एक सबट्रैक्शन वाला किया जा रहा है आपके लिए। अब देखिए मैंने इसे हटा दिया, अब मैं पार्टिकुलर किसी डिजिट को लेकर आपको उस पर वर्क करके दिखाया जाएगा, जैसे मैंने सेट ले लिया यहाँ पर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर वन हो गया, टू हो गया, माइनस वन हो गया, जीरो हो गया, फोर हो गया, थ्री हो गया, माइनस सेवन हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, सबट्रैक्शन निकालना है सेट मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स बी के साथ। तो अब जब चल रहे हैं आप स्टूडेंट्स में, तो आपको कहा गया था कि जो भी मेंबर्स है उसके समतुल्य जो नंबर है उसी नंबर्स को आपको उसमें से सबट्रैक्ट कर देना है। तो आप देख रहे हैं जो ये ए वन वन है इसकी वैल्यू वन है, और जो ये बी वन वन है इसकी वैल्यू फोर है, तो आपको वन में से फोर को घटा दिया जाएगा, तो वन माइनस फोर हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो टू है उसमें से किसको सबट्रैक्ट किया जाएगा, तो टू में से थ्री को किया जाएगा, और यहाँ पर माइनस वन में से आपको माइनस सेवन, तो माइनस वन है एक माइनस करना है माइनस सेवन के साथ। अब यहाँ पर जीरो को माइनस करना है थ्री के साथ, तो जीरो माइनस थ्री, तो यहाँ आपका टू क्रॉस टू था, तो यहाँ पर भी आपका टू क्रॉस टू ही रहेगा, वो ऑर्डर आपका चेंज नहीं होने वाला है। तो जब ए माइनस बी की वैल्यू हमारी आ गई स्टूडेंट, तो ये वन माइनस फोर है, तो फोर में से माइनस अगर हटाया जाए वन वन को लिया जाएगा तो माइनस थ्री आ जाएगा, बड़े का साइन होता है तो वो माइनस ले लेंगे हम लोग, टू माइनस थ्री है तो यहाँ माइनस वन हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसे घटाया जाए तो माइनस माइनस प्लस एट में सेवन घटाएंगे, तो ये हमारे ये माइनस माइनस प्लस सेवन हो गया, सेवन में सेवन घटाया जाएगा सिक्स हो जाएगा। अब स्टूडेंट जो ये जीरो माइनस थ्री लिया गया माइनस थ्री हो जाएगा, तो आप देख रहे हैं कि ये भी टू क्रॉस टू का है, देखिए नेचर यहाँ पर ए बी और ए माइनस बी को देखा जाए, ऐसे ही आप ए प्लस बी को भी आसानी से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे आपको बड़े बड़े क्वेश्चन मिलते हैं ए प्लस बी प्लस सी या ए बी प्लस बी ए,
और ए बी सी का मल्टीप्लाई करके अब तरह तरह के एडिशन, लेकिन आपका जो ये इनिशियल है इसको आप इस तरह से माइंड में सेटअप कर लिए तो ये बहुत ही अच्छे से आपको इस पे आप वर्क कर सकते हैं। तो ये आपको स्टार्टिंग में आपको ऑर्डर का जो चैप्टर मिलेगा कि जो वेक्टर मैट्रिक्स के उसके आपको पहला बताना होगा कि इसमें कि इसका ऑर्डर क्या है, तो ये चैप्टर तो आपको इसी में इजीली निकल जाएगा। और जैसे कहा जाता है कि ए टू फोर का वैल्यू क्या है, ए थ्री वन का एलिमेंट कौन सा है, तो ऐसे आप उसको बता सकते हैं। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन इन दोनों पर आपका पहला दूसरा चैप्टर उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें और ये दोनों चैप्टर आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और फिर आगे की चीजों आपको और बताई जाएगी।